अभी हाल ही में मान्यवर नाम की एक कंपनी ने एक कंट्रोवर्शियल ऐड निकाली थी, जिसको पता नहीं कि मान्यवर क्या है। मान्यवर एक फैशन डिजाइन कंपनी है जो मेंस क्लॉथ के साथ डील करती है, जिसमें बहुत से स्टार्स काम कर चुके हैं, जिसमें विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, कार्तिक आर्यन, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह। इन्होंने हाल ही में एक ऐड निकाली थी कन्यादान के ऊपर। बेसिकली इन्होंने एक ट्रेंड चलाया है कि आप कोई भी ऐड निकालो, खासकर जब त्योहारों का समय हो, एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करो और अपना प्रोडक्ट सेल कर दो। अरे भाई, अगर तुम्हें ऐड बनानी ही है तो उसमें पर्टिकुलर सनातन धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है बार बार? मुझे इनके स्क्रिप्ट राइटर पे हंसी आती है। भाई तुमसे अच्छा तो 10वीं क्लास के बच्चे लिख लेते हैं। इतना घटिया स्क्रीन प्ले, वो भी किसी धर्म को, पर्टिकुलर धर्म को बार बार टारगेट किया जा रहा है। वेल, ये तो एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है। लेट्स डिस्कस सम फैक्ट्स बिहाइंड कन्यादान। सनातन धर्म में कन्यादान क्यों किया जाता है? पहले तो इस शब्द का ही गलत उच्चारण किया जाता है, क्योंकि ये शब्द कन्यादान नहीं बल्कि कन्या का आधान होता है, जिसमें कन्या एक गोत्र से दूसरे गोत्र में प्रवेश करती है विवाह के समय। ये कन्यादान नहीं, वास्तव में ये गोत्र दान कहा जाता है। ये एक ऐसा दान होता है जिससे माता पिता के लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। चलो ये बात आपको विवाह के समय लिए गए संकल्प के जरिए समझाते हैं। जब एक पिता कन्या का दान करता है, उस समय वह कहता है कि मेरे इस कन्या के, जिस कन्या का भरण पोषण अब तक मैं करता था, कन्या की पूरी जिम्मेवारी अब तक मेरी थी, मैं अब ये सारी जिम्मेवारी अपना गोत्र विष्णु स्वरूप वर के हाथों में देता हूँ। पूरी विधि विधान के साथ निभाया जाता है। यहाँ वर यानी दूल्हे को विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है। जब पिता ये संकल्प लेता है, उसके बाद वर ओम स्वस्ति कहकर कन्या का हाथ अपने हाथ में लेता है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में पिता कन्या की सारी जिम्मेवारी विधि विधान के अनुसार एक वर के हाथों में देता है। वह अपनी लड़की को दान में नहीं दे रहा, जो आजकल सो कॉल सेलिब्रिटी अपनी फिक्शन एड में प्रेजेंट कर रहे हैं। वो सरासर गलत है, क्योंकि सनातन धर्म में बेटी को या स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, उसे किसी भी हाल में भोग की वस्तु नहीं माना जाता। अगर बेटी को वास्तव में दान किया जाता ना, तो बेटी विवाह के बाद दासी कहलाई जाती, लक्ष्मी नहीं कहलाई जाती। एक्सेप्ट फ्रॉम दिस, इस रस्म को निभाते समय परिवार के लिए ये रस्म बहुत ज्यादा भावुक होती है। एक कंपनी अपना ब्रांड बेचने के लिए इस पवित्र रस्म का मजाक उड़ाकर इतना नीचे गिर सकती है, ये बहुत विचारणीय है दोस्तों। इस रस्म को निभाते समय वधू के हाथ को एक घड़े के ऊपर रखा जाता है, उसके पश्चात वर का हाथ वधू के हाथ के नीचे रखा जाता है। पिता उस समय विधि विधान स्वरूप उस हाथ को वर के हाथों में देता है, फिर उस पर फूल, गंगा जल, पान के पत्ते रखे मंत्र उच्चारण किया जाता है। उसके बाद पवित्र वस्त्र से वर वधू के हाथ बांध दिए जाते हैं और फिर उन पर फूलों की वर्षा की जाती है। और विवाह संपन्न होने तक लड़की के खानदान में जितने लोग होते हैं, लड़की के जितने कुल में जितने व्यक्ति होते हैं, उन सब का उपवास रहता है। जब तक विवाह संपन्न ना हो जाए, लड़की के कुल संबंधियों का अन्न जल त्यागा जाता है। विवाह के बाद वर अपनी जिम्मेदारी समझता है और लक्ष्मी स्वरूप अपनी धर्म पत्नी को ये आश्वासन देता है कि किसी भी हाल में मैं तुझे जीवन में कोई कष्ट नहीं आने दूंगा और हमेशा धर्म के मार्ग पर ही चलूंगा। उदाहरण के तौर पर, जब माता सीता की विदाई हो रही थी, उस समय दशरथ जी ने राजा जनक के पैर छुए थे और राजा जनक ने उनसे आश्चर्यजनक होके कहा था कि आप हमसे बड़े हैं, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? मैं तो कन्या का पिता हूँ, मैं आपसे छोटा हूँ, मैंने तो कन्या का दान दिया है। उस समय राजा दशरथ ने कहा था कि आप हमसे बड़े हैं, आपने हमें अपनी पुत्री का दान जो दिया है, आपने अपनी पुत्री का गोत्र, उनके अधिकारों का आदान प्रदान किया है, इससे आप बड़े हो जाते हैं। आपकी पुत्री लक्ष्मी स्वरूप में हमारे घर में आएगी, हमारी कुल परंपरा को आगे बढ़ाएगी, हमारे वंश को आगे बढ़ाएगी, हमारे परिवार की शोभा बढ़ाएगी, हमारे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आपने ये मैथोलॉजी समझी? हमारी इतनी पुरानी सनातन संस्कृति है, आज कोई भी उठकर अपने 2 टके के ब्रांड बेचने के लिए सनातन संस्कृति का मजाक बना देता है। फिर वो चाहे मान्यवर वाले हों, कन्यादान का ऐड बनाएं या तनिष्क वाले गहनों का ऐड बनाएं, तो एक पर्टिकुलर रीजन के सेंटीमेंट को हर्ट करना इनके लिए मजाक बन चुका है। क्या इन पे कोई एक्शन नहीं करना चाहिए? तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।